शक्ति हमारे युवा और कर्मठ कार्यकर्ता। शायद ये हमारे देवी देवों देवी देवताओं का आशीर्वाद था या आप लोगों का प्यार और ज्यादा सदस्य है। प्रधानमंत्री जी की कृपा से, हमारे शीर्ष नेतृत्व की कृपा से और खास करके हमारे मंडी और आन बान शान की कृपा से, हमारे जयराम ठाकुर जी की कृपा से ये आशीर्वाद मंडी से इस टिकट का मुझे मिला है, जिसका मैं आप लोगों का आप जानते हैं मैं कोई बहुत दूर का नहीं हूँ। नगवाही में मेरा घर है, चाहे रसाड़ हो, पुंजाई हो, ताची हो, बाली चौकी हो या सिराज का इलाका हो और हमारा सुनोर का इलाका। वर्षों वर्षों से हमारे उठने बैठने के, जीने मरने के, देव देवड़ियों के ओरे परे रिश्तेदारी है और आप लोगों के बीच में एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से, जो मंडी में पटवारी भी रहा 3-4 साल नौकरी की, सेना में 35 साल रहा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से पूर्व सैनिक निगम का चेयरमैन भी रहा, जिसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने पूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों को देखभाल करने के लिए। जैसे मैंने बताया, काऊ पंचायत में हमारी रिश्तेदारी है, हमारे घर में जो बहू है वो भी आपके काऊ की है, तो इसलिए हम मुझे बहुत ज्यादा परिचय देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब ये कि नई जिम्मेवारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और इसके लिए मैं आप लोगों का समर्थन चाहता हूँ, सहयोग चाहता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, उसके लिए आपके बीच में आया। आज आपने देखा 5 साल आपके हमारे मुख्यमंत्री जी आपके विधायक रहे हैं, जिसकी वजह से आज सराज में, पूरे हिमाचल में अथाह विकास हुआ है और जिसने जो मांगा वो तो दिया ही दिया, जिसने नहीं मांगा वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज तक हिमाचल में इतना बड़ा विकास अगर आप आंकड़े खोल कर देखेंगे कभी नहीं हुआ। ये हमारे लिए आन बान शान है, शान की बात है। आज हमारा अपना मुख्यमंत्री है, घर का आदमी है, देसी आदमी है, आप जानते हैं, सरल स्वभाव के हैं, सौम्यता से भरे हैं, शालीनता से भरे हैं। आज ये जो चुनाव है ये हमारे मंडी का स्वाभिमान का भी सवाल है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आप जानते हैं मैं कारगिल युद्ध में रहा, देश के अंदर देश के बाहर भी युद्धों में मौका करने का मौका मिला, लेकिन आप देखते हैं कि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किस तरह से सैनिकों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर, उनके शहीदों के ऊपर, हिमाचल तो एक वीर भूमि जाना जाता है, उनके ऊपर जो टिप्पणियां आपने सुनी कि ये तो बड़ा छोटा मोटा युद्ध था, ये ब्रिगेडियर साहब ने ये मेडल क्यों पहने, भाई मेडल तो एक फौजी की पहचान है, उससे पता लगता है कि 35 साल इन्होंने क्या किया, पर आप तो अपनी एक ही पहचान बता रहे हैं। ये पहचान नहीं बता रहे कि 2 बार जब ये सांसद रहे इन्होंने क्या किया, फिर ये उससे बारी नहीं आई इनकी, उसके बाद जो है अभी जो है व्यक्तिगत प्रहार भी करना शुरू कर दिया कि जी इन्होंने तो पता नहीं बड़े भारी पैसे खाए। एक बात मैं बड़ी साफ कहना चाहता हूँ, एक फौजी होने के नाते और आप लोगों का बेटा होने के नाते अगर हमने जिंदगी में कुछ कमाया है, एक ईमानदारी कमाई है, उसके अलावा कुछ नहीं कमाया। कांग्रेस के नेताओं को विक्रमादित्य जी ने कल हमारी प्रश्न चिन्ह उठाया, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस के पास आज मुद्दे नहीं है। हम केवल जो राजनीति में आए हैं, जो 7.5 साल का कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री जी का रहा है या जो हमारे 4 साल का कार्यकाल हमारे जयराम ठाकुर जी का रहा है, उस जो हमने किया है, जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन लोगों के साथ आपके बीच में आए हैं, विकास के लिए आपके बीच में आया है, हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं। आज सराज में सड़कों का जाल बिछा है,
मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, अगर जयराम जी आपके मंत्री विधायक नहीं होते ये जाल कभी नहीं बिछता, और इस जाल में विकास के जाल में जो वृद्धि आई है ये आपके अपने घर के मुख्यमंत्री हैं, मंडी जिला के मुख्यमंत्री है, इसलिए विकास में गति बढ़ी। जयराम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम जी अब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उससे पहले भी नेता रहे हैं, मुझे आप बताइए उस पीरियड को कंपेयर करिए और आज के पीरियड को कंपेयर करिए जो इनके सामने का पीरियड है, इतना विकास कभी नहीं। सराज सनोर इलाका बहुत सुंदर है, पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं यहाँ पर, कितने रोडों का जाल जो स्टेट लेवल पे बिछा है। अगर आपका सांसद, आपने का घर का बेटा वहां अगर केंद्र में जाता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहां पर जो सब नेशनल हाईवे हैं या पर्यटन के दृष्टि से जो भी करने के लिए होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं वो करूंगा। एक फौजी हूं, आज तक जितनी भी हमने सेवा की है ईमानदारी से की है, मेहनत से की है। एक बार फिर मैं आप यहाँ जो तीनों चार पंचायतों के, तीन पंचायत के जो भाई बहन हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिस लगन से और ईमानदारी से वो सेवा की है, उसी लगन और मेहनत से और ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करूंगा, प्रधानमंत्री